एकनाथ शिंदे और अजित पवार कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। महायुति में फाइनल हुआ सीटों का बंटवारा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार 153 से 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में 88 से 80 सीटें आएंगी। इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी को 53 से 55 सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। यहां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन की सरकार है, जिसे महायुति गठबंधन कहा जाता है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी और मौजूदा समय में बीजेपी के 103 विधायक हैं। वहीं शिवसेना के पास 40 विधायक और एनसीपी के पास 43 विधायक हैं। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला लगभग आ गया है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 103 से 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी के खाते में 90 से 95 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा शरद पवार गुट की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी करते हुए 99 कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिया है। 20 अक्टूबर को जारी हुई लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की काफी संख्या है। इसके अलावा बीती रात ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पाचपा खाड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक 20 नवंबर को सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी।